उद्यमियों ने परिवार स्नेह मिलन के रूप में मनाया दिवाली उत्सव। त्योहार हो या शादी विवाह, जीवन के हर छोटे बड़े आयोजन को उत्सव का रूप देता है। खाद उद्योग समाज को स्वाद के साथ उत्सव मनाने का अवसर देने वाले खाद उद्यमियों ने दिवाली परिवार स्नेह मिलन समारोह का आयोजन चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने किया। दो सत्रों में हुए आयोजन के प्रथम सत्र में संगठन के उद्देश्य एवं त्योहारों पर खाद सुरक्षा पर चर्चा हुई। अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि समाज के किसी भी अवसर पर विशेष बनाने में खाद उद्यमियों की विशेष भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए आगरा में फूड पार्क विकसित कराने की ओर संगठित अग्रसित है। संरक्षक एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि त्योहार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता न करने करते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता न करते हुए संगठन का प्रत्येक उद्यमी सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और निभाता रहेगा। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सदस्यों ने परिवार सहित सदस्यों ने डांडिया और गरबा का आनंद लिया। रंग बिरंगी रोशनी से सजे परिसर में आकर्षक आतिशबाजी की गई। महासचिव अनु सिंगल ने धन्यवाद ज्ञापित किया और संचालन अमित सूरी ने किया। व्यवस्थाएं समन्वयक दिलीप कुमार ने संभाली। चैम्बर ऑफ फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आज यहाँ पर ये दिवाली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरी तरफ से चैम्बर ऑफ फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आगरा में नया आयाम छुए। यहाँ पर जैसे अभी हम लोगों ने वार्ता की थी, तो यहाँ पर एक फूड पार्क की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार से यहाँ की इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, यदि यहाँ पर एक फूड पार्क इस्टेब्लिश होगा तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज को चार चांद लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को शामिल होना है, अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जनपदवासियों को अपने दिवाली के अवसर पर देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आने वाला समय हम लोग के लिए उद्योग में रहेगा। धन्यवाद। जो भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है उसमें क्या कहना है आपको? देखिए, मैं राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन इंडस्ट्रीज का। और आज हमारे जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, फूड इंडस्ट्री वाले हैं, सभी का हमने पारिवारिक मिलन समारोह रखा है और उसमें डांडिया है, थाल सज्जा है और कई बच्चों के लिए फल जोल वगैरह है बहुत रखा है। और इसमें हमने शहर के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं सभी के गणमान नागरिक और हमारे मार्गदर्शन मंडल, संरक्षक मंडल सभी लोग आए हैं और एक परिवार की भावना से सभी अपना पूरा दिवाली को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बहुत मस्ती कर रहे हैं। और सभी का मार्गदर्शन हमें बराबर मिला है और हमारी एसोसिएशन बहुत अच्छे काम कर रही है और आगे फूड इंडस्ट्री को एक आगरा का एक बड़ा हब बनाने का पूरा पूरा प्रयास सभी लोगों का चल रहा है। चैम्बर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन का जो कार्यक्रम है, तो इसमें एक संदेश दिया गया है कि जो व्यापारी है वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। जैसे कि हमारे आज के आयोजन का जो थीम है वो है व्यापारिक दीपावली मेला। तो इतनी व्यस्तता के समय जबकि दीपावली में सारे व्यापारी व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद आज दीपावली व्यापारी मेला रखा गया है। चैम्बर ऑफ फूड एसोसिएशन जो बनाई गई है वो हमारे आगरा में जितने भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के जो सदस्य हैं सबको जोड़ा गया है, चाहे वो मसाले से हों, चाहे रेस्टोरेंट हों, चाहे खाद से हों, चाहे बेटा आगरे का जाना पहचाना, आगरा का पारंपरिक प्राचीन बेटा हो, सबको जोड़ा गया है। दीपावली परिवार आयोजन हो रहा है, हमारा क्या कहना है? देखिए, मैं अनिल शर्मा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जिलाध्यक्ष। आज दिवाली परिवार इसमें जो कार्यक्रम है बीजी क्राफ्ट में होने हुआ है, इसमें 500 परिवार और उनके कपल यहाँ पर जो है ना दीपावली से पहले अपने दीपोत्सव कार्यक्रम को जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये फूड प्रोसेसिंग की ओर से जो है ना किया जा रहा है, मैं इसके अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने मनीष अग्रवाल जी जो रावी रेंज से जो हैं और हमारे अध्यक्ष भी हैं कारवा अध्यक्ष व्यापार मंडल के, और उन्होंने हमारे व्यापार मंडल के काफ़ी कपल परिवार को आमंत्रित किया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के सभी जिन्होंने व्यापार मंडल को सम्मान किया
उन सभी के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मनाया जा रहा है इसमें करीब आगरा के 160 ब्रांड जो कि प्रतिष्ठित ब्रांड है अपने अपने आप में, सब लोगों के परिवार के परिवारीजन आपस में एक दूसरे से आनंद ले रहे हैं। और हमारा जो मकसद है इसमें फूड के प्रोसेसिंग में कि उद्योग के साथ साथ लोगों का एक दूसरे से परिवार का बात और मिलन आगे बढ़ता रहे और बात विवाद और उन सबसे हट के आनंद की विभूति दिवाली में बनी रहे, ऐसा हम लोगों का सोच। मंडल का सिकंदरा का अध्यक्ष हूँ। मुझे दीपावली से पहले ये कार्य हुआ है इसमें बहुत 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 खुशी हुई है, जिसमें 500 परिवार आकर के अपनी खुशियाँ मना रहे हैं और डांडिया के डांच सब लोग खुशी का जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को स्थल करने वाले के लिए। बहुत सौभाग्य की बात है और व्यापार मंडल को बुलाया है, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है, मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा आज का ये दिवाली समारोह जो हो रहा है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से, जिसकी तरफ से मैं पूरे आगरा की जनता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगरा में नए नए उद्योग हैं जो काफ़ी कुछ आने को बाकी हैं। लास्ट ईयर पिछले साल फरवरी में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें 400,00,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार ने बात की थी, जिसके लिए हम लोग काफ़ी हद तक प्रयासरत हैं कि व्हाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री जो ज़्यादा से ज़्यादा आगरा में आ सके, रोज़गार को बढ़ावा मिल सके, जिससे कि आगरा से लोगों का छात्रों का पलायन रुक सके और आगरा में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बड़े बड़े मेट्रो